अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज की जो वीडियो मैं लगा रही हूँ ये काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, तो उसके लिए सबसे पहले माज़रत। तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं कुछ टाइम पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो हमने इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस के लेक्चर्स शुरू किए हुए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ जो जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। यहाँ जो आपको हाईलाइटेड क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप इनको फर्दर वीडियोज़ के अंदर देख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमने लॉ की काइंड्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। एडवांटेजेस के ऊपर वीडियो बन चुकी है, डिसएडवांटेजेस के ऊपर रहती थी। तो आज की मेरी वीडियो डिसएडवांटेजेस पे है। इसके अलावा आपका प्रेसिडेंट वाला टॉपिक रह गया है, ऑस्ट्रेलियन थियरी रह गई है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये रह गया है। बाकी आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो भी आप चाह रहे हो कि सब्जेक्ट मैं इसके बाद स्टार्ट करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, तो फिर हम उसके लेक्चर सीरीज शुरू कर लेंगे। अभी फिलहाल डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एडवांटेजेस के लिहाज से भी पूछा जाता है और डिसएडवांटेजेस के लिहाज से भी पूछा जाता है। तो मैंने एडवांटेजेस की भी सारी डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की हुई है और इसको भी, और मैं चाह रही थी कि ज़्यादा हम डिटेल के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें, इसलिए इसके ऊपर अलग से दो दो वीडियोज़ बनाई हुई है। सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह आपको आउटलाइन भी शो हो रही है। आउटलाइन आप ये तैयार कर सकते हो हेडिंग्स, ताकि आपको एक हेडिंग जहन में रहे कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या क्या है, तो ये रहेगी। और बाकी नीचे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स, मैं समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको हर पॉइंट क्लैरिफाई हो। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर द पासवर्ड ऑफ द नोट्स। तो आप जब पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने नोट्स PDF फॉर्म में खुल के आएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, हमारे डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आता है कि कम्प्लेक्सिटी एंड इनएक्सेसिबिलिटी, लीगल जर्गन एंड कम्प्लेक्सिटी। यानी लॉ के अंदर, लीगल लैंग्वेज के अंदर हम कुछ ऐसी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज़ करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर ये टर्म पढ़ी होगी, आरडी अल्टरम पार्टम। अब एक इंसान दूसरा और एक नॉर्मल पर्सन है जिसने लॉ को नहीं पढ़ा, उसके लिए इस टर्म को समझना मुश्किल होगा। इस टर्म का मतलब क्या है, मैं एक दफा फिर से आपको याद करा देती हूँ कि किसी भी शख्स को आप तब तक सजा नहीं दे सकते हो जब तक आप उसकी तरफ से सारे सबूत या उसको अपने हक में बात कहने का मौका ना दो। तो आप तब तक किसी भी बंदे को सजा नहीं दे सकते हो, उसके खिलाफ कोई जो है वो आप उसको सजा नहीं दे सकते हो। तो लिहाजा सबसे पहली ये है कि ये जो टर्म्स हैं इतनी मुश्किल हैं कि एक आम इंसान इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। तो एक फिर दूसरे लिहाज से अगर आप देखो तो वकील करना है या आपने अपने पास कोई एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन रखना है तो उसकी एक अलग से फीस होती है। तो अब सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लास लेवल होते हैं, एक अपर इनकम लेवल के लोग होते हैं, कुछ मिडल इनकम लेवल के लोग होते हैं और फिर लोअर इनकम लेवल, यानी इनकम बेस के ऊपर क्लासेस होती हैं, सोशल क्लासेस होती हैं। अब कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके साथ कोई ऐसी लीगल कंडीशन आ गई है जिसके बेस पर उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल ये लोअर मिडिल क्लास लोग के, मिडिल क्लास के जो लोग हैं ये एक, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लीगल रिप्रेजेंट कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सके कि वो उनके केस को फर्दर कोर्ट के अंदर लेके जा सके। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की वो कम्प्लेक्सिटी और इनएक्सेसिबिलिटी थी कि इनकम लेवल की बेस के ऊपर हमें, अब ये एक अलग चीज़ है कि इसको कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आगे पॉलिसीज आई हैं और सहूलत के लिए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमने कम्प्लेक्सिटी और इनएक्सेसिबिलिटी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिबिलिटी। आप देखो कि क्योंकि सोसाइटी, लॉ तो आपने जब फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ा और इसकी हिस्ट्री को देखा तो आपने देखा इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। लोग पहले से ही लॉज के ऊपर चल रहे थे, उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए थे और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे जनरेशन टू जनरेशन आपने देखा, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई, सोसाइटीज के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस आती रही। अब लॉ जो है वो देखा, देखो अगर आप कहते हो कि अब की एज के अंदर उबर आई है, ठीक है, उबर की एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हर बंदे को इससे फेमिलियर है,
उबर है, तो अब आप अपने दादा के दौर में चले जाओ तो वहां पर उबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो लॉ इस ट्रांसपोर्टेशन लॉज जो बने थे वो अब आके टेक्नोलॉजी क्योंकि आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई एडवांसमेंट आ गई है, अब उबर के ऊपर वो लॉज जो है वो ना अप्लाई होते हूँ, तो इसलिए एक इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप ऐसा नहीं होता कि आप एक लॉ जो है वो आप देखो कि आपने बना दिया है, और क्योंकि सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, यहाँ पर मुसलमान भी प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज भी हैं, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, कुछ हिंदू लोग भी होंगे, तो सब आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई एक लॉ बनाया है तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो। लेकिन लॉज आप देखते हो कि जब एक कंट्री का लॉ बनता है तो उसकी एक तो डिसएडवांटेज ये आता है कि वो डिफरेंट डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जिस तरह इस वन साइज फिट्स में मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन बनाई है, एक स्कूल है उसमें आपने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, तो आपने वहां पर कहा है कि ये इस्लामिक कोर्स जो है वो सब एक इस्लामियात, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सब्जेक्ट ऐड किया है इस्लामियात का ऐड किया है, और आपने कहा है इस क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं कंपलसरी होगा कि वो ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ेंगे। अब अगर उस क्लास के अंदर कोई माइनॉरिटी का स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्रिश्चियन बैठा है, कोई हिंदू माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई बंदा बैठा हुआ है, तो अब उसके लिए ये हो जाता है ना कि एक क्लैश क्रिएट हो रहा है। तो इस लिहाज से है कि वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच कोशिश करते हैं कि वो लॉ सबको ही कवर कर रहा हो, तो एक इसका डिसएडवांटेज ये आ रहा है। इस एग्जाम्पल से आई होप सो आपको ज्यादा क्लियर वे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन्फोर्समेंट चैलेंजेस। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस के अंदर ये आप बाद में नोट्स के अंदर रीड आउट कर लीजिएगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इसमें ये होता है कि हम अगर अपने मुल्क के अंदर देखें तो पुलिस के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हालांकि होना ये चाहिए कि एक प्रॉपर पूरा पैटर्न होना चाहिए कि आप जब लोग भर्ती कर रहे हो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आपके पास पैसे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ट्रेनिंग हो रही हो तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट की भी जरूरत है, प्रॉपर आपको बजट की जरूरत है, तो इस शॉर्टेज की वजह से आप देखोगे कि पुलिस में शायद लोग कम हो। अब अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लोग कम है तो ऑटोमेटिकली ये लोग अब जब कम है तो ऑटोमेटिकली कोई एक इस इलाके के अंदर कोई सिचुएशन हो गई है, कोई साइबर क्राइम है या फर्दर फौरी तौर पर कोई हरेसमेंट का केस है, और आप उस एट द पॉइंट चाहते हो कि ये आप जो है वो शिकायत करो पुलिस के अंदर, तो अगर वहां पर लोग ही कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट कंप्यूटर ही नहीं है जो जल्दी से डिटेक्ट कर रहे हो, तो आप कैसे वो जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करेंगे, तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज आप देख रहे हो। अब जब पुलिस को इतनी उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है, उनको इतनी तनख्वाहें उनकी नहीं है, तो अब अपने खर्चे पूरे करने के लिए पुलिस वाले जाएंगे करप्शन की तरफ, तो ये एक डिसएडवांटेज है लॉ का कि जहां पर आपने एक चीज बिल्कुल रख दी हुई है कि भाई इतने इदारे को आप वक्त के साथ साथ जरूरियात को जहन में नहीं, जो हमने ऊपर एक डिसएडवांटेज पढ़ा है रिजिडिटी, किसके अंदर आपकी चेंज नहीं आता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपने देखा कि उसकी वजह से अब पुलिस वालों को पता है भाई हमें तो इतनी तनख्वाह मिलनी है, हमारी तनख्वाहें गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही, तो वो अपने खर्चे फिर पूरे करेंगे करप्शन के थ्रू, तो फिर डिसएडवांटेज एक लॉ का करप्शन की तरफ भी आपका आ रहा है, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी और अनफेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। किस तरह से, हमने ऊपर ही एक क्लास लेवल की बात की है कि सोसाइटी के अंदर इनकम क्लास डिफरेंट लेवल की होती है, तो जब आप इस तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस ला के क्रिएट हो रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरह अपर क्लास के, अब ये बैरोक्रेट्स हैं या फिर जो जिनका इनकम लेवल हाई है, जो अलीट क्लास से लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि भाई उनका जब कोई केस आएगा 10-20 जो है वो लाख रुपया ऊपर देंगे और वो अपना केस बहुत जल्दी से कंप्लीट करवाएंगे और अपना काम करके वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह की इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है, आप इंसाफ जल्दी नहीं, क्योंकि गरीब अगर कोई केस लेके जाता है कोर्ट में उसके पास ज्यादा सिफारिश नहीं है तो आप देखोगे कि वो उनका केस सालों साल लटका रहता है, और एक अमीर जो अच्छे खासे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने पास रख सकता है वो आगे अपना केस लेके जा सकता है, पैसे लगा सकता है, उसका फैसला जल्दी हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेज आ जाता है फिर कि आपकी इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, अनफेयरनेस आ रही है। इरेगुलेशन एंड रेड टेप, इरेगुलेशन एंड रेड टेप ये है कि शिफ्टिंग इनोवेशन एंड बिजनेस, इसमें ये होता है
कि आप, मैंने फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर प्रेजेंट हूँ और मैंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे जो रूल्स हैं वो बना के रख दिए हैं कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट करना है आपको ये पेपर वर्क तो भाई कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे जमीन के कागजात चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपने क्या क्या बंदे कौन कौन से, हर चीज की मैं इंफॉर्मेशन अगर रख दूँ कि मुझे ये सारे रूल्स अगर आप कंप्लीट करोगे तो ही आप ये पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर इस तरह ये होगा कि रेड टेप ये होता है कि फिर ये जो लोग इन रेगुलेशन से उकताए हुए वो कोशिश करेंगे भाई हमारा इतना तो टाइम जाया हो जाता है, हम नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे क्योंकि बिजनेस होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये टर्म पढ़ते हो कि आप जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, सही है? तो फिर अगर आप इससे इसको बिजनेस स्टार्ट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी हिंड्रेंस आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक हो गया? अब ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, आपके केस पड़े होते हैं कोर्ट के अंदर, बहुत बहुत देर गुजर जाती है और वो केसों का फैसला नहीं होता और कोई इसके खिलाफ, क्योंकि आप अडेप्टिबिलिटी अगर लेके आओ वक्त के साथ साथ अगर इनोवेशन आ रही है तो ये मसले भी हल हो जाए। नेक्स्ट है मॉरल एंड एथिकल कंसर्न, जब आप कोई भी लॉ क्रिएट करते हो तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आप उसके मॉरल और एथिकल कंसर्न्स भी देखोगे वो किस तरह से। अब ये क्वेश्चनेबल लेजिस्लेशन आता क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आप इसमें एग्जांपल ले लो सेम सेक्स मैरिज, अब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको इस मैरिज को कि आप लड़का लड़के से शादी कर सकता है ये एक प्रॉपर कानून बना दिया गया है ना, कुछ कंट्रीज पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर इस चीज को अलाउ कर दिया गया है ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर कि हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, कोई किसी उसको रोक नहीं सकता। तो अब अगर आप मॉरली या एथिकली इस चीज को अपने पाकिस्तान या इंडिया के लोग आप बैठे हुए हैं आप अपने लिहाज से ये सोचो तो आपके जहन में ये बात आएगी कि नहीं ये तो मॉरली एथिकली गलत चीज है, तो एक ये कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है? ये यहाँ पर मॉरल एंड एथिकल कंसर्न से रिलेटेड ये बात हुई है। जैसे असिस्टेड सुसाइड का भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये पता हो कि अगर कुछ सर्टन कंडीशन के अंदर कोई बंदा सुसाइड करना चाहता है, शायद आप में से कुछ लोगों को इस चीज का पता भी हो, तो कुछ कंट्रीज ने कुछ कंडीशन रखी हुई है कि इन कंडीशन के अंदर वो फिर सुसाइड कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आप मॉरली या एथिकली इस चीज को सोचो तो आप तो कहेंगे कि नहीं ये लॉ जो है वो हमारे मॉरल्स हमारे एथिकल कंसर्न्स के तो खिलाफ है, तो ये इसमें वो चीजें डिस्कस करनी है। कल्चरल एंड इंटरनेशनल वेरिएशंस, अब इंटरनेशनली देखो चीज किस तरह से इफेक्ट करेगी, आपको इस शायद मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप ग्लोबलाइजेशन का आई गेस कोई टॉपिक था उसके अंदर ये मैं चीज पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब आप मॉरली एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ बनाते हो ना तो फिर सारे कंट्रीज को जब वो फॉलो करना पड़ता है ना तो हो सकता है कि वो किसी कंट्री के लिए बुरा हो। जैसे ये बुरा चीज समझा जाता है ना हिंदू कम्युनिटी के अंदर कि आप गाय को जिबा नहीं कर सकते हो, तो सपोज करो कि एक इंटरनेशनल लॉ बना है कि आप जिबा करोगे या फिर मैं एक आपको सिर्फ एक्सपोज करने को कह रही हूँ कि एक ऐसा लॉ बना है तो ये ऑटोमेटिकली हिंदू कम्युनिटी को हिट करेगी ना कि ये चीज अब हमें करना भी पड़ी है, लेकिन ये उनके खिलाफ जाएगी, तो फिर ये होता है कि आप कल्चरल वेरिएशंस को जहन में नहीं रखते हो तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स आते हैं डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज से इम्पैक्ट होती है नेशनल लेवल के ऊपर, सही हो गया? ये आपके डिसएडवांटेजेस थे, इनको तैयार करने का कंक्लूजन आप पेपर के अंदर जरूर लिखोगे, जो चीजें आपने ऊपर ऊपर लिखी है ना बस उनको ही समराइज करके लिखना है, कंक्लूजन के अंदर कोई एक एक्स्ट्रा चीज आप नहीं लिखते हो, या फिर आप इस तरह कर सकते हो कि कोई सजेशन दे सकते हो कि आप इन डिसएडवांटेजेस को किस तरह से कम कर सकते हो। तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप किसी चीज का सोल्यूशन देने लगो ना तो उस प्रॉब्लम का काज पकड़ा करो, जैसे ही आप काज को एलिमिनेट करोगे ऑटोमेटिकली आपके अच्छे रिजल्ट्स निकल आएंगे, सही हो गया? ये आपके डिसएडवांटेजेस थे, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, मैंने एग्जांपल्स के साथ कोशिश की है आपको समझाने की, अगर तो आपको समझ आई है थोड़े सा भी कोई पल्ले पड़ा है तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं मुझे आपको वीडियो कैसी लगी है। 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं और फिर ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी के लिए आपका रह गया है जी नोट्स का पासवर्ड,
तो पासवर्ड मैं क्या दूं आपको, 4, 7 और 9, ठीक है, ये पासवर्ड है। आप जैसे लगाएंगे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स खुल के आ जाएंगे, उनको डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।